अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंजा तनवीर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया, जिसमें आवाम को गर्द आलूद हवाओं से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची में आज और कल गर्दो गुबार के तूफ़ान का इम्कान है, जबकि हैदराबाद, शहीद, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लाम आइन पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मियारात के मुताबिक मज़दूरों के हालात बेहतर बनाएंगे। मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी योम मज़दूर पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मेहनतकशों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहनतकशों की तरक्की के बगैर दुनिया की हकीकी तरक्की अधूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया शिकागो के उन मज़दूरों की है जिनकी कुर्बानियाँ अब आलमी तहरीक बन चुकी हैं। दुनिया की तरक्की मेहनतकशों की मेहनत का नतीजा है और मजदूरों की सेहत और हिफाजत के लिए ILO की कोशिशें काबिल सताइश हैं। आयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने LPG की कीमत में 15 रुपये फी किलो कमी कर दी। ओगरा की जानिब से की गई कमी के बाद LPG की फी किलो कीमत 232 रुपये हो गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन अरफान खोखर का कहना है कि उनके फार्मूले पर अमल करके LPG की मौजूदा सरकारी कीमत में 100 रुपये फी किलो तक कमी की जा सकती है। नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान कंजा तनवीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।